सर्दियों के सीजन में खाना बनाने में कितना मजा आता है ना। एक तो मौसम इतना अच्छा होता है और सब्जियों की ढेर सारी वैरायटी, वो भी एकदम ताजी ताजी। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है मेथी पनीर मसाला। एक और पनीर वैरायटी जो कि बहुत ही टेस्टी मगर एकदम अलग। मैं हूँ सलमा, आपकी कुकिंग फ्रेंड। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गड्ढी मेथी के पत्तों में थोड़ा सा नमक डालकर अपने मैजिकल उंगलियों को बड़े ही हल्के हाथ से बस 10-20 सेकंड के लिए इस तरह से चला लेंगे। मेथी के पत्तों को 2-3 बार अच्छे से धोकर ले लीजिएगा। पत्तों को मैंने वजन भी कर लिया है, ये करीब 100 ग्राम है। अब इसे 10 मिनट के लिए इसी नमक में छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए मेथी ने पानी छोड़ दिया है। अब इसे अच्छे से निचोड़ कर ब्लेंडर या फिर एक चॉपर में ले लेंगे। आपके मैजिकल उंगलियों से इस तरह से मेथी की सारी कड़वाहट चली जाएगी। चॉपर की जगह आप मिक्सर जार का ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं। बस 5-10 सेकंड के लिए चला लीजिएगा। हमें मेथी का पेस्ट नहीं बनाना है, इसे बस दरदरा चॉप कर लेना है। अब एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल लेकर इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जैसे ही जीरा चिटक जाए, इसमें 150 ग्राम के करीब प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हल्का सा लाल होने तक अच्छे से भून लीजिएगा। जब प्याज लाल होने लगे तो इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसकी भी खुशबू आने तक अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें चॉप की हुई मेथी और 1 पाव चम्मच हल्दी डालकर इसे 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से भुनाई करेंगे। ये देखिए मेथी कैसे नज़दीक आ चुकी है। बस जब तक ये नज़दीक ना आ जाए, हमें लो फ्लेम पर इसकी भुनाई करते रहना चाहिए, तभी इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। अब इसमें 2-3 बारीक कटी हुई कच्ची मिर्चें, 250 ग्राम टमाटर का प्योरे और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स करके ढाकन लगाकर 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं, इसे एक बार चम्मच चला के इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। फिर इसमें 2 कप गरम पानी शामिल कर देंगे। गरम पानी डालने से सब्जी में ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी अच्छी आती है, इसीलिए पीछे से इसमें शामिल कर दें 1 कप ताज़ा मटर, 1 चम्मच किचन किंग मसाला पाउडर, 250 ग्राम पनीर और स्वाद अनुसार नमक डालकर बहुत ही हल्के हाथ से पनीर को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पनीर को फ्राई नहीं किया है, इसलिए चम्मच बड़े ही ध्यान से चलाइएगा, नहीं तो पनीर के पीसेस टूट जाएंगे। अब यहाँ भी ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने दीजिएगा। बस अब पीछे से 1 पाव कप ताज़ा डेयरी क्रीम डालकर इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब आखिर में 1 पाव चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर 2 मिनट और पकने दीजिएगा। बस फ्लेम बंद कर दें। बनकर तैयार है मज़ेदार मेथी पनीर मसाला। क्योंकि हमने इसमें दूसरे पनीर रेसिपीज की तरह काजू बादाम नहीं यूज़ किया है और क्रीम भी कम ही रखा है, ये सब्जी आपको लाइट और मसालेदार लगेगी। रोटी, नान, किसी भी तरह की इंडियन ब्रेड के साथ बहुत सही जाएगी। मेथी और पनीर का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़बरदस्त होता है। दोस्तों, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।